दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं कि लोग हमारा या हमारे बच्चों का वशीकरण कर लेते हैं। कहते हैं कभी कभी कि किसी सास ने अपने बेटे को वशीकरण करके रखा है, वो हमें सुनता ही नहीं है, वो पत्नी की भी नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं सुनता, और जैसा माँ कहती है बेटा वैसा करता चला जाता है। तो जब मंत्र ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं कि उससे व्यक्ति बस में हो सकता है, तो दुनिया की जो आवश्यकता की चीजें हैं उन्हें हम अपने बस में कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें कि पैसा, अब कोई सोचे कि पैसा इतनी मेहनत करते हैं, कई बार लोग मेरे पास भी आते हैं पूछने के लिए, महाराज जी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हमारे पति देव, इतनी मेहनत करते हैं पर वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी हम पैसे के लिए परेशान हैं, दिन भर दुकान पर बैठते हैं, फिर भी पता चला कि शाम को 200-300 रुपये की दुकानदारी होती है, तो बड़ी टेंशन हो जाती है, और कभी कभी तो इतनी टेंशन बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि भाई सुसाइड कर लो, पूरा परिवार ऐसा सोचने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पैसा चाहिए, कुछ चीजें चेंज करना है आपको, आपको करना क्या है, आप दुकान में रहें, घर में रहें, जो भी आप लिखा पढ़ी करते हैं वो लिखा पढ़ी आपको हरे पेन से करना है, हरे पेन से करना है, और हरा पेन यानी जो चीज राइटिंग भी हरी हो और पेन का कलर भी हरे कलर का हो, आप यूज करिए। दूसरा आप देखेंगे यदि आप अपने पास पर्स रखते हैं जिसमें पैसा रखने के लिए, तो पर्स भी आपका ग्रीन कलर का होना चाहिए, हरे कलर का होना चाहिए। तो ग्रीन कलर का वह वायलेट लेकर के ना अपन क्या करना है, उसको उसमें रखना है, और आपको सिर्फ कुछ नहीं उसमें, आप थोड़ा सा पैसा रख लो, 150 रुपये रख लो, 200-500 रुपये रख लो, बस कुछ नहीं करना आपको, वो पर्स भरने की जिम्मेदारी वो खुद ही ले लेगा, आपको नहीं भरना, वो आप कैसी व्यवस्था बनेगी, कहां से बनेगी, कैसे क्या होगा, वो सब आपके पास आना चालू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं दूसरी ओर एक चीज का और ध्यान रखना है कि लक्ष्मी को खींचने के लिए अगर आप ये ध्यान रखें, अगर आप कहीं नॉनवेज तो नहीं खाते हैं, कहीं आप उल्टी सीधी चीजें तो नहीं खाते हैं, किसी जीवों को मार करके और उससे अपना पेट तो नहीं भरते हैं, इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी भी चाहती है, वो भी देवी के रूप में है, वो चाहती है कि मैं भी वहां जाऊं जहां पर सात्विकता हो, इन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट, करिए उपयोग और मुस्कुराइए।